नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक पेटेंट एडल 48 के बारे में, जो कि लिम्फ नोड्स की बहुत सी परेशानियों में काम आता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लिम्फ नोड्स होते क्या हैं और इनकी कौन सी बीमारियां सिम्टम्स में जो है एडल 48 काम आता है, और साथ ही इसकी डोसेज क्या रहनी चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। लिम्फ नोड्स हमारे शरीर में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं और जो बाहर से आए फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म करके। लिम्फ नोड्स में कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। आइए जान लेते हैं कि लिम्फ नोड्स की क्या क्या पॉसिबल डिसीज या सिम्टम्स हैं जिनमें एडल 48 काम करती है। एडल 48 जो है वो लिम्फ नोड्स के स्वेल कर जाने पे, या फिर लिम्फ एडिनाइटिस हो जाने पे, या फिर लिम्फेंजाइटिस या लिम्फ नोड्स की वजह से कई बार ट्यूमर्स बन जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो है हम एडल 48 का इस्तेमाल करते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको लिम्फ नोड्स की दिक्कत है या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एक तो अगर आप लोगों के शरीर पे कहीं पे भी लिम्फ नोड्स जब ट्यूमर बना देते हैं, ट्यूमर जो होता है वो आपको फील हो जाता है, स्वेल किया हुआ पार्ट जिसे हम कई बार गिल्टी भी बोल देते हैं, वो कई बार मूवेबल भी हो सकता है या इमूवेबल भी होता है। ऐसे केसेस में जो है हम एडल 48 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर केसेस में ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये बिनाइन तरीके के होते हैं, नॉन मेलिग्नेंट होते हैं, पर कुछ केसेस में ये जो ट्यूमर्स हैं ये मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को एक बार अपने डॉक्टर को ये ट्यूमर्स दिखा लेने चाहिए कि कभी इनमें कैंसर सेल्स तो नहीं हैं। इसके साथ ही जो स्वेल किया हुआ पार्ट है वो बहुत ही हार्ड हो सकता है, उसमें जो है पेन भी रह सकता है। इसके साथ कई बार दोस्तों आप लोगों को जो है फीवर आने के चांसेस रहते हैं, या आपका गला खराब हो सकता है और आपको थोड़ा बहुत जुखाम भी लग सकता है। दोस्तों, लिम्फ नोड स्वेल क्यों करते हैं, इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसा कि अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है या आपके कोई ड्रग रिएक्शन हो गया है, इस वजह से आपके लिम्फ नोड स्वेल करना शुरू हो जाते हैं, या फिर अगर आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है तब जाके जो है आपके लिम्फ नोड स्वेल करने लग जाते हैं, लिम्फेंजाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर लिम्फ एडिनाइटिस हो सकता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन चली हैं। अगर आप लोगों के हार्ट जो है लिम्फ नोड्स स्वेल करके बन रहे हैं आपके नेक की साइड में, तब हम इस बेरियम क्लोराटम का इस्तेमाल करते हैं जो कि एडल 48 के अंदर डली हुई है। तो अगली दवाई इसमें डली है कैल्शियम जोडाटम, जो कि आपके जो भी स्वेल किए हुए ग्लैंड्स होते हैं या लिम्फ नोड्स होते हैं या टॉन्सिल्स अगर स्वेल कर जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, तब काम आती है और एडल 48 के अंदर डली हुई है। इससे अगली दवाई डली हुई है सिस्टिस कैनेडेंसिस, जो कि आपकी इन्फेक्शियस लिम्फेटिक कंडीशंस में काम आती है और साथ ही आपके स्किन के और इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स में भी काम आती है और एडल 48 का पार्ट है। कोनियम मैक्युलेटम एक ऐसी दवाई है जो कि आपके ग्लैंडुलर इन्फेक्शंस में काम आती है और किसी भी प्रकार के लिम्फ नोड्स की प्रॉब्लम में अच्छा काम करती है। लिम्फ नोड्स को स्टिमुलेट और एक्टिवेट करके रखने में हेल्पफुल होती है और एडल 48 के अंदर ये कोनियम मैक्युलेटम होम्योपैथिक मेडिसिन भी डली हुई है। इससे नेक्स्ट मेडिसिन है इकिनेसिया, जो कि एक इम्यून स्टिमुलेंट की तरह काम करती है, साथ ही इन्फेक्शंस को ठीक करने में हेल्पफुल रहती है और अगर ब्लड का सेप्सिस हो जाए तब भी ये दवाई काम करती है और एडल 48 के अंदर डली हुई है। इससे अगली दवाई इसमें डली हुई है गैलियम, जो कि हार्ड लिम्फ नोड्स के ऊपर एक्ट करती है। इससे अगली अगर हम बात करें तो जुगलस एक दवाई है जो कि आपके लिम्फ नोड्स पे अच्छा काम करती है, साथ ही लिवर डिसफंक्शन या स्किन की प्रॉब्लम्स में भी काम आती है और एडल 48 के अंदर भी डली हुई। इससे अगली दवाई है सेरोफिलेरिया, जो कि आप लोगों के इन्फ्लेम्ड स्वोलन लिम्फ नोड्स में अच्छा काम करती है। ये अब जान लेते हैं कि इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए।
अधिकतर केसेस के अंदर इसकी डोसेज जो है वो 15 से 20 ड्रॉप्स होती है कि आप 1/4 ऑफ कप ऑफ वाटर में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे इलाज ले सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।